गीतांशु जुड़े हुए हमारे साथ में। गीतांशु, अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अचानक से जेपी नड्डा को तो माना ही जा रहा था कि उनको कोई ना कोई कमान मिलेगी, लेकिन कैबिनेट में जगह मिल सकती है ये सोचा नहीं था। समीकरण हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, बड़े चेहरे जो है हिमाचल प्रदेश में है, पहले से मंत्री रह चुके हैं। जेपी नड्डा जो है पिछले दो बार जो अपने कार्यकाल अध्यक्ष का जो है बीजेपी का वह पूरा कर चुके हैं। हालांकि इलेक्शन के कारण उनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया था, हालांकि अब कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया गया है और उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद मिलने की जो है संभावना जताई जा रही है, कोई बड़ी सीट उन्हें दी जाएगी। साथ ही अगर अनुराग ठाकुर और कंगना रनावत की बात करें तो दोनों का नाम भी सामने आ रहा था, क्योंकि अनुराग ठाकुर पहले से ही वहां पर जो है मंत्री पद संभाले हुए थे। अब जो है काफी बदलाव जो है बीजेपी ने कर दिया है, क्योंकि टिकटों में भी काफी बदलाव उन्होंने पहले भी किए थे, तो अब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और जो है अच्छे चेहरे, खासकर युवा चेहरे, उनको जो है पद पर लाना चाहते हैं। हिमाचल में अगर बात करें कंगना रनावत की, तो उनका भी एक नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि उन्हें कोई ना कोई कोटा जो है मंत्री पद देकर उन्हें जो है हिमाचल की राजनीति में सीखने का मौका दिया जा सकता है। तो तीनों ही संभावित चेहरे थे। हालांकि जगत प्रकाश नड्डा जो पहले से ही बीजेपी की रग रग से वाकफ है, 2012 में वह सांसद बने।